स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है क्या, फ्लूड मोजेक मॉडल। फ्लूड मोजेक मॉडल जो दिया गया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड मॉडल है एंड इट वाज प्रपोज बाय एस जोनाथन सिंगर एंड ग्रेट निकोलसन 1972। मींस जो फ्लूड मोजेक मॉडल है उस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। इट स्टेट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। मींस सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल है, जिसे सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली एक्सेप्ट किया जाता है, वो मॉडल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो है फ्लूड मोजेक मॉडल। एंड ये स्टेट करता है क्या, ये स्टेट करता है कि आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स मींस प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स के जो टुकड़े हैं वो लिपिड्स के सी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं, फॉर्म्ड होते हैं हमारे। नेक्स्ट कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटेनियस एंड ट्राइनेमुलर। मींस जैसे पहले मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, वो लिपोप्रोटेनियस है एंड ट्राइलेमिनर है हमारी। फास्फोलिपिड बाइलेयर इज फ्लूडी इन नेचर इज विच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स सो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मींस इनमें फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर है वो फ्लूडी है इन नेचर में एंड विच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स सो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। पहला है ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो दो टाइप के मूवमेंट्स होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, पहला होगा ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरा होगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नेक्स्ट प्रोटीन आर ग्लोबुलर एंड आर टू टाइप्स। मतलब अभी यूनिट मेम्ब्रेन में मॉडल में हमने बताया था कि प्रोटीन ग्लोबुलर नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्लूड मोजेक मॉडल है ये मानता है कि प्रोटीन कैसे हैं, ग्लोबुलर हैं हमारे। एंड कह रहा आर टू टाइप्स, पहला है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स और दूसरा है हमारा इंटरेस्टिंग और इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो एक हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे और दूसरे हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे हमारे। ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज द पोलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल एंड हैज टू स्पेसिफिक एंड्स। यानी जो ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होगा उस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में क्या होगा, दो स्पेसिफिक एंड होंगे। पहला हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल का बना हुआ हेड होगा जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और दूसरा होगा हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ टू फैटी एसिड चैन, यानी टू फैटी एसिड्स की बनी हुई चैन की हमारी क्या होगी, टेल होगी जो हाइड्रोफोबिक होगी। नेक्स्ट अब जैसे मॉडल पे आते हैं तो मॉडल में क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पर हमारे याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, ये बीच में हमारे ये ट्रांस मेम्ब्रेन और टर्नल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टर्नल का काम करेंगे। मींस वो बाहर से फूड पार्टिकल्स को, बाहर से न्यूट्रिएंट मटेरियल को सेल के साइटोप्लाज्म में आने में हेल्प करेंगे, ये हमारे टर्नल प्रोटीन्स होंगे हमारे। नेक्स्ट जो है हमारी वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर है हमारी। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होगी उस लेयर में ग्लोबुलर हेड होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा टेल रीजन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक हेड है हमारा जो ग्लोबुलर है, और हाइड्रोफिलिक हमारा हेड है यहाँ पर, और हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है हमारा जो लोअर पोर्शन में पाई जाएगी, और यहाँ हाइड्रोफोबिक जो है वो ग्लोबुलर होगा हमारा और ये हमारा लीनियर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट बिटवीन कुछ कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म भी यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो बीच में प्रेजेंट होंगे, ये पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, और ये हमारे जैसे ये दिए गए हैं ऊपर नीचे, ये हमारे पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे कहलाएंगे जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प करेंगे
फूड पार्टिकल्स को या न्यूट्रिक सब्सटेंस को आउटर सेल वॉल से इनर सेल वॉल आने में। ये मॉडल जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीड में मिलेंगे। फ्लोअर मोजेक मॉडल आता है, फ्लूड मोजेक मॉडल, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। और इसमें हमारे फॉर्म जो बताए गए हैं, ये हमारे हैं कि कैसे हाइड्रोफोबिक एंड हेड होता है हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हमारा हाइड्रोफोबिक ट्रेलिजन होता है, यानी इसमें प्रोटीन हमारे मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे जो हमारे फूड पार्टिकल्स को सेल के इनर आने में हेल्प करेंगे।